प्रोफेशनल कॉलेज हैं जो जो तालीमी अदारे हैं, जो कॉलेज लेवल हो या यूनिवर्सिटी, उनमें रिजर्वेशन दी जाती है ऐसी ड्यूटी के पैटर्न पर। और देश के सभी जो रियासतों को उसी उसके पैटर्न पर जम्मू कश्मीर में भी जो 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 27% रिजर्वेशन है वो लागू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में आज से 1931 में भी जम्मू कश्मीर में OBC समाज की 30% जो पॉपुलेशन है। जेके खबर नो के शख्सियत कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं OBC ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ड्यूटी के चेयरमैन अजय कुमार जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितने लंबे से समय से कार्य करते आ रही है और उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। सर, आपका हमारे चैनल जेके खबर नो के कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। आप सर, पिछले दिनों आपने एक OBC की तरफ से एक रैली भी निकाली गई अपने अधिकारों को लेकर, क्या प्रमुख मांगे हैं जो अभी तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सोन जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। सोन जी, आपका इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहली मरतबा ये हुआ कि आपने जो OBC समाज के जो कंसर्न हैं, जो इनके ग्रीविंस हैं, जो इनको दुश्वारियाँ आ रही हैं, उनको उजागर करने का आपने काम किया, इसके लिए मैं आपका मशहूर हूँ। जहाँ तक OBC समाज के जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो उनके राइट हैं, उनकी मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि आज से 30 वर्ष पहले 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्होंने आज से 30 वर्ष पहले पार्लियामेंट में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया था जी, जो हमारे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी एक खुशी की बात थी। आज पूरे हिंदुस्तान में और जितनी ड्यूटी हैं सब में वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो वो लागू देश के सभी राज्यों में वो आज भी लागू है। ठीक है, लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर में एक अलग स्थिति थी, जो नेशनल लॉ थे वो जम्मू कश्मीर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं चाहती थी तब तक वो इशू वो हल नहीं होते थे, वो लागू नहीं होते थे। अब मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई उम्मीद जागी, जब आर्टिकल 370 और 35 हुए जब रिमूव हुआ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में 9 अगस्त को रात को मन की बात की, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में के जो OBC समाज के लोग थे या और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको उनका जो बेसिक राइट था वो नहीं मिल रहा था, वो मिल नहीं रहा था उनको। हमें भी ये उम्मीद जागी कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो खुद OBC समाज से तल्लक रखते हैं, वो हमारे साथ जो वर्षों से जो डिस्पैरिटी हो रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उसको लागू करेंगे। लेकिन आज तक 3 साल हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक वो लागू नहीं हुई। हमारी मांग है आपके माध्यम से कि जैसे हिंदुस्तान की सभी रियासतों में, हिंदुस्तान की सभी ड्यूटियों में 27% नौकरियों में रिजर्वेशन दी जाती है और कॉरपोरेशन में रिजर्वेशन दी जाती है और जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं, जो तालीमी अदारे हैं, जो कॉलेज लेवल हो या यूनिवर्सिटी, उनमें रिजर्वेशन दी जाती है ऐसी ड्यूटी के पैटर्न पर। और देश के सभी जो रियासतों को उसी उसके पैटर्न पर जम्मू कश्मीर में भी जो 27% रिजर्वेशन है वो लागू होनी चाहिए। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस बात को सिंगल फैकल्टी और मेरी SD एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द, अगर सारे नेशनल लॉ जो हैं, जो हिंदुस्तान के सारे कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं, तो फिर 27% रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन है इसे लागू करने में क्या दुश्वारी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में OBC समाज के कितने प्रतिशत लोग हैं और कौन कौन सी जाति के लोग हैं जिन्हें इस आरक्षण से अभी तक महरूम रहना पड़ रहा है? देखिए सोन जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, तो आप बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं।
जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में आज से 1931 में भी जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज 30% जो पॉपुलेशन थी, अगर आज मैं बात करूँ तो आज भी 40% पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में। हिंदू मुस्लिम जो दोनों हैं, जो हमारे दोनों फिरके हैं, हिंदुओं में और मुसलमानों में भी, अगर हिंदुओं की बात करूँ तो वहाँ हमारे चीर, कम्यार, तरखान, नाई, धोबी, लवाना जी आते हैं। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमानों में मैं समझता हूँ कि उनमें भी जो हमारे जो मशवारे हैं, जो 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 ये जो नादिर हैं, जो हजाम हैं, ये जो हांजी हैं जो नाब चलाते हैं, जहाँ बाजीगर हैं जो जो ये जो जहाँ धोबी हैं, ये भी उनमें आते हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि 35 से लेकर 40 तक जम्मू कश्मीर में ये जो जो इनको जो वो पॉपुलेशन है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन लोगों को आज भी इनके जो बेसिक राइट हैं उनसे महरूम रखा गया है। आपने बात की जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 है हटने, क्या उम्मीद थी कि इस हटने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा, और अब क्या लग रहा है कि उम्मीद थोड़ी कम फीकी पड़ती नज़र आ रही है? मैं समझता हूँ कि जैसे कि अज की एडमिनिस्ट्रेशन है जो जहाँ जहाँ हमारे जो 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 हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है वो उन्होंने जो जितने भी नेशनल लॉ जो है, जितने भी जो काले अपने जो काले सॉरी जितने भी जो कानून हैं जो हमारे हिंदुस्तान के जो जो सारे जो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंटेशन जिसकी हो रही है, पहले तो ये तासुर दिया जाता था कि जम्मू कश्मीर में 370 है, 35 ए है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पहली ये, उन्होंने इसको लागू नहीं किया। लेकिन अभी हमें उम्मीद थी कि अब हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, यूटी में जितने भी ये कानून जो दिल्ली के वो सारे जहाँ नाफिस होंगे, सारे जो लागू हो गए, इससे हमारी बड़ी उम्मीद थी कि वो लागू होंगे। लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेटली आज तक वो 3 साल हो चुके हैं, बाकी सारे कानून जो इम्प्लीमेंट हो गए हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो जो हमारा जो 27% आरक्षण का जो कानून है ये आज तक लागू नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि हमें सिर्फ 2% दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ 2% है, जो 25% जो हमारी जो 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 हमारा वो ये जो है रिजर्वेशन ये दी जा रही है, ALC को दी जा रही है या RBA को दी जा रही है। आई विल नॉट अपोज टू एनी रीजन, आई विल नॉट अपोज टू एनी कास्ट, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, उनको भी दें, लेकिन जो हमारा राइट है, जो हमारा जो जो हक बनता है, हक बनता है, वो भी हमें भी मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो 35% जो पॉपुलेशन है OBC को, उनको मिलना चाहिए। और मैं एक बात आपको आपकी वसाकत से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी भी कि पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी पॉलिटिकल तंजीम ने OBC समाज के लोगों को कभी इम्पावर करने का काम नहीं किया। मुझे याद है गत दिवस OBC ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से लखनपुर से लेकर पूरे जम्मू संभाग में रैली का भी आयोजन किया गया और जिला स्तर पर जो है ज्ञापन भी सौंपे गए। आरक्षण के अलावा आपकी और कोई कुछ मांगे थी? आरक्षण के अलावा हमारी यही मांगे हैं कि मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो 35% फिरका जो रहता है जो OBC समाज का, इन्हें आज तक जब का जम्मू कश्मीर की स्टेट जो तकसील हुई है, जब से बनी है, आज तक इनका कोई नुमाइंदा असम्बली में नहीं गया, आज तक इनका कोई नुमाइंदा जो है वो OBC के पैटर्न पर OBC की तर्ज पर आज तक वो कभी मेंबर कानून साजिया में नहीं गया, MLC नहीं बना। इवन कि आपको ये बड़ी हैरानी बात है कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर की 74 वार्डें हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, किसी पार्टी ने, ना कांग्रेस ने और ना BJP ने, किसी ने भी इनको एम्पावर करने की कोशिश की, इनको मैंडेट नहीं दिया। हालांकि BJP की बड़ी पीक थी पिछले दिनों, किसी को भी OBC की तरखान को, चीर को, कम्यार को, किसी भी किसी को टिकट देते तो वो जीत सकता था, वो अपना बन सकता है। ना हमारी पंचायत लेवल पर कोई नुमाइंदा है, ना हमारा कॉरपोरेशन पर कोई नुमाइंदा है, ना हमारा कोई मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई नुमाइंदा है, ना हमारा असेंबली में कोई नुमाइंदा है। हमारी आपकी वसाकत से आपसी आपके माध्यम से हमारी ये है कि LG जब भी जहाँ चुनाव हों हमारे लिए भी जहाँ रखा जाए पर आपदा रखा जाए, हमारे लिए भी जैसे शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हैं, SC को दे रहे हैं, ऐसे OBC समाज को भी जहाँ उनके लिए भी सीट अलाट की जाए ताकि वो अपने लोगों को वो उनके लोगों भी उनका जो विधानसभा सीटें हैं वो OBC के लिए भी आरक्षित होनी चाहिए हमारी। आपके माध्यम से हमारी यही मांग। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर यूटी के चेयरमैन अजय कुमार जी, जिन्होंने अपने मुद्दों को रखा और सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी OBC समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वह भी समाज में अपनी भागीदारी दे सकें। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।